खबर जनपद नैनीताल से है, जहां कोटाबाग स्थित राजीव गांधी नवोदय आवासीय विद्यालय में अवस्थाओं को देखकर अभिभावक 106 बच्चों को घर ले गए हैं। बता दें कि प्रदेश में यह पहला मामला होगा जब अभिभावकों को इतनी बड़ी संख्या में एक साथ बच्चों को विद्यालय से ले जाना पड़ा हो। वहीं अभिभावकों के इस कदम से स्कूल प्रबंधन के साथ ही शिक्षा महकमे में भी खलबली मच गई है। ऐसी स्थिति में विधायक वंशीधर भगत ने विद्यालय में हुई अव्यवस्थाओं को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। वही वंशीधर भगत ने कहा कि अगर भविष्य में कोई भी अनियमितताएं पाई गईं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। कालाढूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। और कैसे इसका निस्तारण करने की आपने बात की? बहुत सी कहानियां पाई गई, लोगों ने जो बताई वो सुनी है। यहाँ पर पानी का सिस्टम बिल्कुल फेल है, अब उनसे कहा है आज शाम तक पानी को ठीक करें। यहाँ पर स्वच्छता में एक ही आदमी है, वो पीआरडी के जवानों में सब साथ के साथ पुरुष हैं। अब दो महिलाएं तत्काल बुला ली गई हैं, दो महिलाओं की ड्यूटी लग गई है। टीचर्स जो ड्यूटी नहीं कर रही थी उनसे कह दिया गया है, अब वो ड्यूटी कर रही है। सबसे बड़ी कमी भोजनालय में है, भोजनालय में ककड़ी लहसुन इत्यादि बहुत खराब है। अब प्रिंसिपल साहब को बता दिया है, अगर यही हालत रही तो फिर उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। वो कह रहे हैं हम तत्काल इसको सुधार देंगे। आज राजीव नवोदय विद्यालय में प्रकरण आया था कि बच्चे यहाँ से बाहर गए हैं, कुछ बच्चे, उसी के रिगार्डिंग आज यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, विजिट किया है। माननीय विधायक जी यहाँ पर थे और अभिभावक जो भी हमारे हैं अभिभावक यहाँ पहुँचे थे। इसी के जो मेन यहाँ पे समस्या आ रही है कि वार्डन्स की मैट्रन का यहाँ पे पद है और वो जो शासन स्तर का है सीधी भर्ती का पद है उसकी नियुक्ति यहाँ पर अभी नहीं हो पाई है। तो इसी के लिए जो अल्टरनेट व्यवस्था करी गई है जिसमें दो हमारी महिला पीआरडी आज ही से उसमें आएंगी और इसके अलावा जो टीचर्स हैं उनकी रोटेशन वाइज ड्यूटी लगाई जा रही है, तो वो भी आज ही से अपनी ड्यूटी करेंगी।